जब भगवान श्री कृष्ण और कालियानाग के बीच भयंकर युद्ध हुआ, तभी कालियानाग बहुत बुरी तरह से हार गया और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तभी भगवान ने उसे क्षमा किया और वृंदावन से दूर चले जाने को कहा। उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुमने जाते समय पीछे मुड़कर देखा तो तुम उसी समय पत्थर के बन जाओगे। जैसे ही कालियानाग वृंदावन से दूर जैत गांव में पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण की चेतावनी को नहीं मानी और पीछे मुड़कर देख लिया। उसी वक्त कालियानाग पत्थर का बन गया। आज के समय में कालियानाग का यह मंदिर मथुरा से करीबन 20 किलोमीटर दूर जैत गांव में स्थित है। जब अंग्रेजों को इस मंदिर के बारे में पता चला तभी वे भारत आए और वे कालियानाग की मूर्ति को अपने साथ ले जाने के लिए खुदाई शुरू की। बहुत कोशिशों के बाद भी वे इसे नहीं ले जा पाए। अंत में गुस्से में आकर अंग्रेजों ने कालियानाग की मूर्ति पर गोली चला दी और मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। तभी अचानक से भयंकर नागों ने अंग्रेजों को नागपास में बांध लिया। दोस्तों हमारे